इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं बात ब्लॉग फ्लॉट, ब्लॉग के अंदर वेलकम हो गया आप सबको। तो आज का ब्लॉग जुम्मा मुबारक और जुम्मे के साथ शुरू होता है और सबको जुम्मा मुबारक दोबारा से हो गया और टीम आई हुई है पूरी। एक हफ्ते बाद आज ब्लॉग कर रहा हूँ दोबारा, इसलिए जो मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया था और आज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बहुत मिस कर रहे हैं। और बाबर भाई मैच तो हार गए, लेकिन पहले मैच में आपने कितने छक्के मारे आज? 47। मुझे याद नहीं होता कि मैंने कितने मारे, लेकिन ये मेरी यही कोशिश होती है मैच जितवाना। मुजम्मिल तेरी वजह से हारे हम, तेरी वजह से। आज आपका निकला बेईमानी करके खड़े हो गए हो जी। कौन सी बेईमानी? मैं तो एम्पायर काल में खड़ा हूं, एम्पायर काल में खड़ा हूं। मैं मैंने जब आउट दिया मुझे ऐसे क्यों देख रहा? तो एम्पायर खाता हूं नहीं, एम्पायर का आउट सच है तो मैं गलत सच बोला था ऐसे। हां तो एम्पायर इज एम्पायर बस। चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला अभी नेक्स्ट मैच है इसमें हम एफर्ट करेंगे और ओके करो देखते हैं। और फील्डिंग पे मैं आ गया कीपिंग करने, ठीक है ना जुनैद? चल भाई सामने जाओ, उधर उधर थोड़ा सा छोटा सा मसला हो गया जिसकी वजह से वो तो सारा रोला डला पड़ा है वहाँ पर। तो ये भाई साहब भी कह रहे हैं तार को बोलने लगी, नहीं लगी ना, और भाई तो नहीं लगी ना। और इधर से जुनैद तार को लगी है, शेरू लगी है, लगी है। ये जाहिल कही जा रहा तार को लगी है, तो वहाँ पे कैच हो गया, उस जगह पर कैच हो गया, तो जिसकी वजह से ना मसला बन गया। वो कह रहे बाउंड्री पार है, कोई कह रहा तार पार है, तार को लग चुकी है, ठीक है। समझ नहीं आ रही क्या हिसाब। इसी के साथ अली भाई को छक्का लग चुका है और हमारी बॉलिंग आई बड़ी इस टाइम। जुनैद तूने बड़ी बेईमानी की है अभी, ठीक है ना? के छक्के लगे आपने, सच बोला था इसलिए छक्के लगे। आउट हुआ है ना, वो झूठ बोला था इसलिए आउट हुआ है। तो नतीजा मिलता है। हाँ ये बड़ी अच्छी बात कही आप जुनैद डोगर, आपने भी इसी तरह छक्के मारने और मैं भी इंशाल्लाह वैसे ही मारूंगा। क्या बोला तूने? मिला है 101 का टारगेट, सारा स्कोर पड़ा है इसको शेरू को। हाँ तो दो ओवर में 46 लगा तुझे? 46 नहीं भाई, 42। अच्छा 42 लगा, चलो 42 भी दो ओवर में क्यों लगा? किसी ने 26 कहा, किसी ने भी नहीं कहा, इसको 10-12 लगा, ठीक है। तुझे बहुत स्कोर लगा, चलो जितना भी लग गया खैर है, इंशाल्लाह ताला स्कोर पूरा करना है ना हमने। ये तुम्हें याद नहीं है पिछला मैच किसने स्कोर कम खाया है? किसने? दो ओवर में सिर्फ 22 स्कोर दिए। चलो बहरहाल जो भी हुआ ये वाला मैच हमने जीतना है और इसमें इंशाल्लाह स्कोर भी मारेंगे। अली भाई और अब्दुल्ला ओपनिंग आ गए, तो इसके बाद फैसला करेंगे कौन आएगा 1 डाउन या 2 डाउन के भी, तो इंशाल्लाह ताला ये मैच जीतेंगे। अब भाई साहब ये जो इन्होंने आउट कराया ना, जान के आउट कराया आपको। ओ यार ये भागा था कौन? ये किसी के आश्रय भी नहीं रहते होते, ये आज आपको सबूत मिल गया होगा और यकीन भी हो गया होगा। कुछ इस तरह का है पड़ा कि ये मैच भी हम हार रहे हैं तकरीबन, तो क्या सीन है, हारेंगे जीतेंगे मुझे बताओ जरा। जीतेंगे, बैड लक चल रही है उसे के 5-9 नहीं, ये 10 छक्के कौन मारे, कितने छक्के रह गए? 5 रह गए। 5 छक्के कौन मारेगा? फहद भाई क्रिकेट बाय चांस होती है और हम इंशाल्लाह ताला। यार वो बात तो ठीक है कि क्रिकेट बाय चांस है, लेकिन 5 छक्के कौन मारेगा? मैं खेल रहा हूँ फिर भी बात समझ आती है। क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चल आप खेल रहे फिर बात समझ आती नहीं, है नहीं 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 ऐसी बात नहीं, कोई हम शायद ये शकील हुसैन लाबर खेल रहा फिर बात समझ आती है। अली भाई बड़े अफसोस की बात है वैसे यार, मर्जी है आपकी, देख लो आपने कितनी बॉल्स बीट की हैं। मेरे से कुछ सीख लो यार, मुझसे सीखो कुछ। लानत क्या सीखने है, 4 बॉले खेली हैं, 1 छक्का 1 चौका, नहीं कह रहे यार 1 पे आउट। ये बात कर रहा हूँ कि क्रिकेट जो क्रिकेट, जल्दी बोलो जरा जल्दी, क्या आप जरा जल्दी बोलो, आप सोच के बोल रहे हैं, हमने आगे वेल निकलना। अच्छा मैं ये कह रहा था अपन को वेल निकलना आगे जाना है, इंशाल्लाह ताला हम मैच जीतेंगे। अच्छा तो अब हम जा रहे हैं गाइस यहां से खेल के लाहौर जा रहे हैं, लाहौर हमारा मैच है। वो झूठ बोलो, पागल हो गए खबा घेर है। तो क्या 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 कहना चाहेंगे आप जुनैद के बारे में? मुजम्मिल भाई जुनैद के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अपसेट है, बारी नहीं है, डबल अपसेट है। जुनैद अपसेट है, कोई जुनैद की जो है बाइक चोरी हो गई है जो अपसेट हो। मुजम्मिल कह रहा तो अपसेट हुआ है, हैं बताएगा कुछ तो बता।
वजह कुछ मसला तो हुआ जो बता मैं सॉल्व करता हूँ। इधर इधर सीन इस तरह का, जुमा नमाज को पढ़ ली थी और जुमे से पहले जब मैच खेल के मैं आया था तो मैं सो गया था, थका हुआ था, तो अब मैं आया हूँ सैलून पर मूसा के पास। तो शाम का हमारा सीन कुछ और है बड़ा, और करामत भाई टाइम नहीं दे रहे, बांध के बिठा दिया, और इसके बाद मैं जाना है कंसर्ट पर। और ये गन शन जो है ना, मैं कह रहा हूँ हैवी हो जाएगी आज, पप्पू हो जाएगी, इसको जीरो की मशीन लगेगी यहाँ पर और ऊपर उस तरह लगेगा। क्या चाहते हैं फिर, बहने जाए दोबारा जाए क्या? नहीं क्या बोला तूने, एक पहले क्या बोला, चल कहना चाहोगे? राहुल भाई यार देर हो रही है, हमने जाना है। हेलो ना, ये ज्यादती ना करो यार, ये वाली ज्यादती ना करो आप, ये हरकतें कर रहे हो ना यार। क्राम एक साइड जैसे क्रामन भाई ने कर दिया है ये, अच्छा, और एक ऐसे ही कर दिया। अच्छा इसी हालत में मैं कौन साइड पे जाऊँ? चला जा, शर्त लगा। किस चीज़ की शर्त लगा? चला जा, एक्स की लगा, एक्स लेके देगा। चला जा भाई, मैं क्या कहूँ, चला जा, मैंने कुछ कहा है? हाँ ये है, एक साइड आधी ऐसे करवा। हाँ तो एक साइड ऐसी है। और जिसम तो कुछ भी नहीं होगा, जिसम बनाया ना तो अच्छा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, फिर जा अंडरवेयर कुछ भी नहीं, फिर तो वहाँ जाके काम ही खराब होगा। मेरे तो दूर जावी ना, आज का व्लॉग इसी के साथ एंड करते हैं, और बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, इन्जॉय बहुत किया, कॉन्सर्ट में देखा ही होगा आपने सारा कुछ। तो फिलहाल आज का व्लॉग एंड करते हैं, एक हफ्ते बाद व्लॉग ना है, इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि डेली व्लॉग दोबारा शुरू करूँ, मैं टाइम नहीं बन रहा, कुछ मसरूफियात हुई हुई हैं जिस वजह से नहीं कर सक रहा। तो फिलहाल आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, ओके फिर।